सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड न्यू वीडियोस। तो फ्रेंड, मैं घर का काम पूरा कर लिए हूँ। मैं अब जा रही हूँ अपने काम पर और वहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा किचन क्लीनिंग वीडियो दिखा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा है। और देखिए कितना घर के साथ साथ इतना बाहर का काम भी मुझे इतना मैनेज करना पड़ता है। तो ठीक है, कर लेते हैं फिर भी। और आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें, बिना स्किप करे हुए देखें। और वीडियो कैसी लगती है ये आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए। फ्रेंड देखिए, मैं फाइनली मैं काम पर आ गई हूँ। तो मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं काम पर। अब मेरा ये किचन प्लेटफॉर्म वगैरह साफ कर रही हूँ। और जो मेरी ये काम वाली हैं अम्मी जी, वो कहती हैं कि मैं अच्छे से साफ नहीं करती हूँ, क्लीन नहीं करती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड मैं थोड़ा जल्दी आ गई आज घर से और मैंने कहा चलो अच्छे से साफ कर देते हैं। तो ये बहुत जमा हुआ है, गंदगी हो रही है। मैं अभी इसी को बस साफ कर रही हूँ। और कुछ ज़्यादा टाइम भी लग जाता है फ्रेंड मुझे काम करते करते। अभी मैं काथा लूँगी, काथे से भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर देती हूँ, जिसमें कि सारी शिकायतें अम्मी को ना रहे बिल्कुल भी। काम है फ्रेंड, वो तो करना ही पड़ता है। और ये मैंने अच्छे से रगड़ दिया है काथे से और फाइनली मेरा ये किचन है जो वो अच्छे से साफ हो गया है। तो अब मैं ये कपड़ा धोकर भी अच्छे से रख दूँगी। मैं अब कपड़ा अच्छे से धोकर रख देती हूँ, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि कपड़ा भी अच्छे से धो। तो वो तो मैं धोती हूँ, लेकिन फिर भी उनकी शिकायतें कम नहीं होती हैं। तो फिर भी चलो ठीक है। तो मैंने फाइनली मैंने कपड़ा अच्छे से धो लिया है। तो मैं अब इसको सूखने के लिए डाल देती हूँ।